हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूटन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन कल के एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों को पता है कि हमने पिछले दो वीडियोस लाए थे आपकी हेल्प करने के लिए फिजिक्स के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, कैसे आप लोग अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर किस टाइप का होने वाला है, आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, वो सब चीज़ें हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर इस पेपर की आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी, तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ जाओगे तो इस पेपर की जो लिंक है वो हम उस वहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना है। आप लोग इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो, आपको फॉलो करना है क्योंकि हम वहाँ पर भी इसको डालने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पेपर की। तो आपको मैंने बताया था कि आपको MCQs और वेरी शॉर्ट आंसर्स पे पक्का फोकस करना है। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको फॉर्मूले, डेरिवेशंस, ठीक है, क्लिनलीनेस आपके पेपर की, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमने बात करी थी पहले वाले वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, उसमें काफ़ी डिटेल में स्ट्रैटेजी बताई गई है, ठीक है। अब इस पेपर को हम लोग डिस्कस करते हैं, उससे पहले एक और चीज़, आप लोगों को बोर्ड के साथ साथ CET की तरफ भी ध्यान देना है, ठीक है। तो CET की तरफ आप ध्यान कैसे दे सकते हो, जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होंगे। अभी हम अक्सर करके या फिर हम बहुत मेजॉरिटी ऑफ पीपल हम लोग कल के पेपर में बस पास होने के लिए जा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हमें अच्छे मार्क्स से पास होना है, लेकिन हमारे फाउंडेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे CET में पूछे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। प्लस हमें क्या करना होगा, उसके बाद में हमें वो अप्लाइड नॉलेज क्वेश्चन में डालनी होगी, टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करनी होगी। हम आपको 3000 क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आप लोग उसमें अपनी नॉलेज अप्लाई कर सको, ठीक है। इतने क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे जिसके आपको सोल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छा स्कोर करने के लिए। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, उधर जाके रजिस्टर करना है। हमें हमारे मम्मी पापा के पैसे वेस्ट नहीं करने, ठीक है। यही चीज़ आपको बाहर 50-60 हज़ार में मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पे जाना है, इस गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आपको उसे वहाँ पर जाके रजिस्टर हो जाना है, ठीक है, विदाउट फेल। आप लोगों के मार्क्स पक्का अच्छे आएंगे, ये मेरी गारंटी, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं कि आपका पेपर कल कैसा होने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया था आपके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आपके 8 वेरी शॉर्ट आंसर्स आएंगे, उसके बाद आपके ये शॉर्ट आंसर फिर से आते जाएंगे, ठीक है, जिसमें एक में आपको मतलब आपको चॉइस दी जाएगी, आपको कोई भी 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चॉइस होगी तो आप अपने बेस्ट चॉइस को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको 5 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आपको जब भी आप MCQ लिखोगे तो आपको अल्फ़ाबेट के साथ साथ उसका आंसर बाजू में क्या लिखा है, फॉर सपोज़ आपका रोटेशनल मोशन ए ऑप्शन है, फॉर सपोज़, तो आपको ए रोटेशनल मोशन लिखना ही है, याद रखिएगा, ठीक है। हर सेक्शन को नए पेज पे स्टार्ट करना है, ठीक है। और आप लोगों को MCQs ध्यान से करिएगा, ये चीज़ को फॉलो ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को ये क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ठीक है, आपको क्या करना है इनको, तो आप देखिए ये MCQ जो आपका फर्स्ट वाला है, इसमें आपको अगर फॉर्मूला पता होगा एफिशिएंसी का तो आप तुरंत कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी आपका ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सेकंड वाला, डायमेंशंस आप लोग अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको पावर की जो है डेफिनेशन, जो उसका फॉर्मूला होता है वो आता होगा तो आप डायमेंशन आराम से निकाल सकते हो, फिर से आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आके देखो ये आप लोगों का फिर से न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला भी आपका इस पे है फॉर्मूला पे, तो इसलिए आपको बोल रही थी मैं कि न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूले पे फोकस करना है आपको, ठीक है। सिक्स वाला क्वेश्चन देखो, रेशियो पूछा है आपको, रेशियो किसका, चार्ज टू पोटेंशियल, मतलब आपको I/V, इसमें से आपको पता है आंसर क्या है, I/V कितना ईजी है, ठीक है। इस प्रकार से आपके MCQs आने वाले हैं, ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से होने वाले हैं। फिर आपका ये 1-1 मार्क के जो आंसर्स हैं, आपको डेफिनेशंस पूछ ली गई हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने बोल दिया है, ठीक है, येस या नो वाला आंसर, आप सिर्फ येस या नो मत लिख कर जाना सेवन्थ वाले में, उसको एक्सप्लेन कर देना एक लाइन में, ठीक है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ लिए गए आपको, ठीक है। अब हम ये 2 मार्कर वाले क्वेश्चन पर आ गए, इन 2 मार्कर्स में से आपको 12 क्वेश्चन में से कोई भी 8 करने, अच्छे से 8 चूज़ करिएगा, थोड़ा सा लिख के आना है, एक भी क्वेश्चन आपको एम्प्टी नहीं छोड़ना है, ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, इससे आपको कुछ ना कुछ आधा मार्क तो मिल जाएगा, ठीक है।
अब जब आप ये 2 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस को अच्छे से देखोगे तो आपको जैसे डायग्राम ड्रॉ करना है, प्रॉपर्टी स्टेट करनी है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको, ठीक है, फिर से डायग्राम डालना है, डेफिनेशंस करने है। तो बेसिकली डायग्राम, डेफिनेशंस, न्यूमेरिकल के फॉर्मूले, इसलिए आप लोगों को मैं बार बार बोल रही थी आप लोगों को फॉर्मूले करने हैं अच्छे से, ठीक है, आप लोगों को डेरिवेशंस अच्छे से करनी है, फॉर्मूले करोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, और डेफिनेशंस करनी है, और जितने भी डायग्राम्स टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो करके जाने हैं, क्योंकि आप देख सकते हो किस टाइप का आ रहा है पेपर, ठीक है। फिर आपका सेक्शन सी 3 मार्कर्स आता है, इसमें भी आपके पास चॉइस है, आपके पास जब चॉइस है ना तो अपना दिमाग अच्छे से यूज़ करना, जिसमें सबसे ज़्यादा लिख पाओगे वो करना है। कोई भी क्वेश्चन आपको मेरी बात गांठ मान लेनी है, कोई भी क्वेश्चन एम्प्टी नहीं छोड़ना है, ठीक है, 2 लाइन लिख के आनी है, भले वो उससे रिलेटेड हो चाहे नहीं हो। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता ना तो भी आप लोगों को लिख के ज़रूर आना है, क्या पता आपको आधा मार्क मिल जाए लिखने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए, तो यू नेवर नो, तो आपको लिख के ही आना है, ठीक है। फिर आपको SI यूनिट्स पे भी ध्यान देना है, डायमेंशंस पे भी, अपन ने MCQ देख लिया था, ठीक है, यही आपका देखो प्रूव करना, फिर आपकी आ गई, ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे आपका डेरिवेशन आ गया, ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल आ गया। तो इस तरीके से आपका यही फिजिक्स का पेपर यही होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल, डेफिनेशन, डेरिवेटिव, SI यूनिट, डायमेंशन, यही चलता है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन सी हो गया, ठीक है। सेक्शन सी के बाद हम सेक्शन डी पे आते हैं, जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप होगा, ठीक है, ये सेक्शन सी का ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। कहाँ पे देख पाओगे, व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे मैं ये शेयर कर दूँगी। अब 5 मार्कर्स में 1 पेज भर के आना ही आना है, ठीक है, अगर कुछ नहीं आता है तो, आता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, भरो आराम से पेजेस भरना, लेकिन अगर नहीं आता है तो 1 पेज भर के आना है 5 मार्कर क्वेश्चन के लिए। 5 मार्कर क्वेश्चन के लिए 1 पेज भर के आओगे ही आओगे, ठीक है, 3 मार्कर के लिए भी 1 पेज, 2 मार्कर वाले के लिए आधा पेज भर के आना अगर कुछ भी नहीं आता है तो। 5 मार्कर के लिए 1 पेज मैं मिनिमम कह रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, मिनिमम, ज़्यादा कुछ भर सकते होगे, डायग्राम बना सकते होगे तो बनाओ, कुछ भी नहीं आता तो कुछ भी लिख के उसके रिलेटेड उसी को बार बार घुमा घुमा के लिखना है, लेकिन लिखना है 1 पेज, ठीक है। अब ये देखो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये तो अपना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो लेकिन किस पे पूछा गया, सोलर सेल की प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है, तो ये आपका उस चैप्टर में आ जाता है, ठीक है। फिर आपका डेरिवेशन आ गई, ठीक है, फिर आपको देखो इसमें 5 मार्कर का था, तो पहले आपको इक्वेशन लिखने बोली, डिफाइन करने को बोला, और फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बोला। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, 5 के 5 मार्क्स आपको एक चीज़ पे नहीं दिए होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये 27th क्वेश्चन में 5 मार्क्स पूरे के पूरे एक ही चीज़ को दिए, तो वो ऐसे अवॉइड करना है। अगर आपको अच्छे से आता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो आपको अवॉइड करना है। 28th में जैसे पार्ट दिए हैं आपको, 29th में भी पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। इसमें भी आपको चॉइस दी जाती है, तो चॉइस का अच्छे से यूज़ करना है आप लोगों का, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पेपर आने वाला है। फिजिक्स के लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, जितना मैंने आपको समझाया चीज़ें, पेपर साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखना है, जहाँ पे भी हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लिख के आ जाओ, ठीक है, भले पूछा है नहीं पूछा है, डिफाइन करने को भी बोल रहे हैं ना तो फॉर्मूला लिख के आ जाओ, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करके आ जाओ, 1-2 लाइन्स लिख के आ जाओ, ठीक है, 1 पेज कैसे तैसे करके भरना ही है, ये स्ट्रैटेजी होती है हमें फॉलो करनी है। MCQ लिखते हुए सिर्फ ऐसे भी मत लिख के आ जाना फॉर 1A, ठीक है, नहीं, 1A का जो भी ऑप्शन के बाजू में लिखा है वो लिखना है हमें, ठीक है। और हम लोग कमेंट सेक्शन में आपको जो भी डाउट होगा कल के पेपर से रिलेटेड बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हम आज के दिन आपके कमेंट सेक्शन में भी एक्टिव रहेंगे और इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप पे हम आपकी लिंक शेयर करने वाले हैं, तो आपको हमारे साथ इन सब जगह जुड़ जाना है। आई होप आप लोग अच्छे से कल पेपर करोगे, आपकी हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और हमें आप पे पूरा का पूरा भरोसा है कि आप अच्छा करोगे पेपर। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, डू वेल, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, अपनी पढ़ाई पर ट्रस्ट रखना, कल अभी सिर्फ रिवाइज करना है, कल सुबह ज़्यादा कुछ मत करना, ठीक है, अच्छे से पेपर देना शांत मन से, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा अपना क्रैश कोर्स प्लस मॉक टेस्ट का, ठीक है, सी यू।